डिस्ट्रिक्ट विधानसभा से सपा सुभासपा गठबंधन के प्रत्याशी मनोज राजवंशी के गांव कुंदौली में उन्हीं के द्वारा बनवाए गए मंदिर के सामने तीर्थ में कांस्टेबल रवि ढाका मृत अवस्था में पाए गए। चुनाव के दौरान पूर्व मंत्री के बेटे व प्रत्याशी मनोज राजवंशी की सिक्योरिटी में तैनात था। बताते चले कि 20-20 बैच के कांस्टेबल रवि ढाका, जो कि गुराना रोड बागपत का रहने वाला था, चुनाव के दौरान रवि पूर्व मंत्री की सिक्योरिटी में तैनात था। ग्रामीणों के अनुसार रवि आज सुबह करीब 8:30 बजे ग्राम कुंदौली में बने तीर्थ में अपने साथी कांस्टेबल के साथ स्नान करने गया था। रवि का दूसरा साथी, जो कि तीर्थ के पश्चिम में स्नान कर रहा था, और रवि तीर्थ के बीचों बीच पहुंच गया। तीर्थ की गहराई अधिक होने के कारण वो रवि के तैर न पाने के कारण वो डूब गया, जबकि दूसरा साथी पहले ही स्नान करके चला गया था। गांव के बच्चों ने जब देखा कि स्नान कर रहा सिपाही तीर्थ से गायब है तो ग्रामीणों को बताया। फिर ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की और स्थानीय गोताखोरों ने रवि के शव को ढूंढ निकाला। रवि ढाका अपने परिवार में 2 भाई और 1 बहन में मंझला था। सूचना मिलने पर मचरेटा थाना अध्यक्ष मुकेश वर्मा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। ललित कुमार की रिपोर्ट, R9 भारत।